अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना अली जेब और मैं स्पीड न्यूज़ पर ला रहा हूं एक ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम जो आपके कानों में रस घोल दे। जी हां, पाकिस्तान के भूले बिसरे ज़बरदस्त गानों के साथ आपका अपना अली जेब ला रहा है स्पीड न्यूज़ पर एक इतना खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है पुरानी यादें अली जेब के साथ। अपनी फैमिली के साथ आप लाइव भी इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, वैसे आप इस वक्त स्क्रीन पर बैठे तो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप ये जब प्रोग्राम देखेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पाकिस्तान को प्रमोट कीजिए। मेहदी हसन, नूर जहाँ, रूना लैला, नाहिद अख्तर, महनाज बेगम और ए नैयर, बहुत सारे ऐसे नाम जो मैं नहीं ले सका, जैसे कि नुसरत फ़तेह अली साहब हो गया, इखलाक अहमद हो गया, शौकत अली, ये वो सिंगर्स हैं जो हमारे लिए मिराज हैं, ये चलती फिरती अकेडमीज हैं। इन सब के भूले बिसरे सुरीले गाने हम इस प्रोग्राम में आपको लेके जाएंगे पुरानी यादों की तरफ। जी हाँ, मेहदी हसन, नूरजहाँ, महनाज बेगम और हर वो सिंगर जो आपका फेवरेट है, आप हमें लाइव कॉल में फरमाइश कर सकते हैं। अपनी अपनी फरमाइश कीजिए ताकि पहले एपिसोड में हम आपकी फरमाइश का ख्याल रखें और उसके बाद आप जो कहें, जो चाहें वही सुने। और आप देख रहे हैं इस वक्त गाना जो मैं गा रहा हूँ, इसके फ़ौरन बाद आपको एक ट्रेलर दिखाएँगे। यहाँ बुरके में हों, हिजाब में हों या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हों, वैसे तो आप स्क्रीन पर भी इंजॉय कर रहे हैं स्पीड न्यूज़ के इस खूबसूरत प्रोग्राम को, लेकिन अगर आपका दिल चाहे कि आप अली भाई के सामने बैठें लाइव इस सिंगिंग को इंजॉय करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे रابطہ कीजिए ताकि आप हमारे शो का हिस्सा बन सकें। और पूछिए अपने चचा से, मामी से, ताया अबू से, दादा अबू, नानी अम्मी से कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और आपका पुरानी यादों का एक हिस्सा होगा। अपनी यादों को कीजिए, यादों की बाजगश्त में चले जाइए। आपके लिए, आपके प्यारों के लिए, आपके बड़ों के लिए, आपके बुज़ुर्गों के लिए, छोटे बच्चे के लिए, बड़े इंसान के लिए, यंग के लिए, खातून के लिए, मर्द के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, सब के लिए हैं पुरानी यादों का एक खूबसूरत सिलसिला। पुरानी यादें अली जेब के साथ ओनली ऑन स्पीड न्यूज़, आपका अपना चैनल। एक दूजे का कभी ना मिले तोड़िए ना तोड़िए, मुझे सजेरे तो कते भी ना मोड़िए ना मोड़िए। जो चाहे अब करी हो दिल पे सितम हमारे, कुछ लोग रूठ गए लटके हैं कितने प्यार, ओ दिल किसी की गजल गायक के लिए हमारे स्पीड न्यूज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो लोग गजल लाइक करते हैं आपकी फेवरेट गजल भी सुनाएं। इस वक्त मैं गुलाम अली साहब की गजल स्पीड न्यूज के तमाम स्टाफ को डेडिकेट कर रहा हूँ। पुराने गाने तो वैसे ही मज़ेदार हैं, लेकिन अली भाई की जो आवाज़ है तो जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है देखा जाता है और मुझे भी देखने का शौक़ है। ये अली भाई के जो गाने हैं मैं बहुत अरसे से सुनता हूँ और इनकी आवाज़ में एक अजीब लज्जत है, बहुत मज़ा आता है इनकी आवाज़ में। पुराने गानों का तो बहुत ही मज़ा आता है कि तुम्हारी जिंदगी है हमें जान से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी। इस न्यूज़ इस चैनल के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगी कि अली जेब साहब के जो भी गाने हैं वो तो इतना ही खूबसूरत हैं और
पुरानी यादों के लिहाज से इनके पास इतना खूबसूरत दस्ता है कि कमाल है। जैसा कि आपको पता है कि डे बाय डे न्यू सॉन्ग्स आते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी जो नए नए सॉन्ग्स आ रहे हैं उनमें वो मज़ा नहीं है जो पाकिस्तानी पुराने गानों में होता था। ये जो प्रोग्राम है इसमें पुराने गानों का जो जिक्र है और पुराने गाने जो हैं, इसलिए मेरा ये प्रोग्राम जो है फेवरेट है क्योंकि पुराने गानों से अपनी दिल लगी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे अली ज़ेब भाई साहब बहुत अच्छा गाते हैं और उनकी आवाज़ में खूबसूरत दर्द है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं और अली ज़ेब साहब की आवाज़ सुन के तो बहुत ही इंजॉय करते हैं। मैं अपनी विद फैमिली साथ आके यहाँ पे प्रोग्राम देखता हूँ। पहले तो आप सब भाइयों को सलाम, जो जो स्पीड न्यूज़ देख रहा है, और मैं आया हूँ इधर अली भाई के पास जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, और ये अली भाई हमारे पुरानी यादें अली ज़ेब के साथ, और इनके सॉन्ग सुन के बहुत ही मज़ा आता है, हद से ज़्यादा मज़ा आता है। और एक इधर ये क्वालिटी है यहाँ आने का, ये फ़ायदा है कि इंसान घर से जितनी भी टेंशन्स वगैरह लेके आता है लेकिन जब यहाँ आता है तो बिल्कुल कोई टेंशन परेशानी नहीं होती, रिलैक्स रहता है, ऐसे रहता है। और एक तो यहाँ फैमिली वाला माहौल है। अली ज़ेब भाई के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आपसे मैं ये कहूँगा आप स्पीड न्यूज़ को सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।